सब लोग आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कीपिंग क्वाइट। गुड। हाँ, तो कीपिंग क्वाइट दैट इज कंपोज बाय पैब्लो नेरुडा। बुक देखेंगे अपनी अपनी। पैब्लो नेरुडा 1904 टू 1973 इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिचार्ड्स बेस बेसाल्टो, इतना बड़ा नाम है, हु वाज बोर्न इन द टाउन ऑफ पारेल इन चिली। नेरुदास पोएम्स आर फुल ऑफ इजिली अंडरस्टूड इमेजिन्स विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में इनको लिटरेचर साहित्य का नोबेल प्राइज भी मिला था। In this poem, Neruda talks about the necessities of the quiet introspection and creating a feeling at mutual understanding among human beings. ये जो कविता है इसमें क्या हो रहा कि जो पेब्लो नेरुडा है, जो पोएट है, वो बोल रहा है कि हमें आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। ठीक है, किस चीज की जरूरत है? आत्मनिरीक्षण की। और जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, उनके अंदर आपसी सामंजस्य बढ़ाने की जरूरत है। नाउ वी आर हेडिंग टू द फर्स्ट स्टैंजा। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द नाउ वी विल काउंट टू 12। अब हम 12 तक गिनती करेंगे। एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम लोग सब शांत हो जाएंगे। कीप स्टिल मतलब शांत हो जाना। फॉर वंस, सिर्फ एक बार। फॉर वंस मतलब सिर्फ एक बार। ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। सिर्फ एक बार इस धरती पर हम किसी भी भाषा में कोई भी वार्तालाप नहीं करेंगे, यानी बिल्कुल शांत हो जाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर वन सेकेंड। तो कभी नोटा कहते हैं हम लोगों से कि हमें एक सेकंड के लिए क्या होना है? शांत होना है। ठीक है, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। ठीक है, और हम अपने बाजुओं को हिलाएंगे भी नहीं इधर उधर, जैसे हम लोग कभी शांत से बैठ नहीं सकते। तो हम कभी नोटा कहता कि बिल्कुल शांत रहिए, अपने बाजुओं को बिल्कुल मत हिलाइए। इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो विश्वास रखिए ये बहुत ही अद्भुत क्षणों का एक्सोटिक मोमेंट। विदाउट रस, ना तो कोई भागा दौड़ी होगी, रस में भागा दौड़ी। विदाउट इंजिन, ना कोई मशीन चलेगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्टेननेस। और हम सब जो है अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट आ जाए, एक दूसरे के निकट आ जाए। इसका देखिए मीनिंग है नॉट मूव, साथ रहना, हिलना डुलना नहीं। एक्सोटिक का मतलब था अनयूजुअल, असामान्य। यूजुअल में से होता है सामान्य, अनयूजुअल असामान्य, यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। रस का मतलब होता है बसल, यानी चहल पहल, भीड़भाड़। नेक्स्ट देखिए सेकंड स्टेंजा देखेंगे जो स्टार्ट होता है फिशरमैन इन द कोल्ड सी और डूइंग नथिंग तक इसमें जाता है। तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गेजिंग शार्क वुड लुक एट द हिज हर्ट हैंड्स दोज हु प्रिपेयर गिवन वार्स। देखिए बहुत बढ़िया है, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर। तो ठंडे सागर में जो मछुआरे हैं वो भेल मछलियों को नहीं मारेंगे और नमक इकट्ठा करने वाले जो लोग हैं वो अपने घायल हाथों के देखने का उनके पास समय हो जाएगा, वो अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। अभी तो भागा तो वही है ना। फिर देखिए वे लोग जो युद्धों की तैयारी कर रहे हैं, अब युद्ध चाहे गैस के हो, गैस के साथ हो, और चाहे अग्नि का युद्ध हो, देख नहीं रहो ईरान इराक को, इसमें सब क्या हो रहा है इसराइल में, और वृक्षों को आधा दूर काटा जा रहा है, तो इसमें कहते हैं वार्स अगेंस्ट का ग्रीन वार्स। तो ग्रीन वास किसके लिए कहा गया है? ग्रीन वास का मतलब यहां है वनों की अधाधुंध कटाई से। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। अच्छा युद्ध क्या होता है? सबका जो है अंत में मान लो हमें विजय प्राप्त होती है, लेकिन वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथेस। युद्ध में हम जीत तो जाएंगे लेकिन
जो सर्वाइवर्स होगा कोई जीवित बचेगा नहीं, तो हम विजय उत्सव किसके साथ मनाएंगे? ठीक है, आप देखिए एंड वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, हम सब लोग क्या करें, पकड़ेंगे पहनेंगे, हम लोग जो है स्वच्छ कपड़े पहनेंगे। वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ छाया में, इन द शेड मतलब छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ करेंगे नहीं बल्कि सिर्फ आराम से क्या करेंगे, टहलेंगे। अब व्हेल जो है आप जानते हो, दिस इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड है विक्ट्री ट्रिप विजय, और इसमें सर्वाइवर्स का मतलब था पीपुल लेफ्ट अलाइव, बचे हुए लोग, सर्वाइवर मतलब था बचे हुए लोग, तो युद्ध में जो बचे होंगे वही तो कदम से कदम चलाए मतलब बढ़ाएंगे। अब देखिए थर्ड में, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, लोग जो मैं चाहता हूँ उसे आप भ्रमवश संपूर्ण अकर्मत्या मत समझना। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मैं कहना चाहता हूँ उसका ये मतलब नहीं है कि आप पूर्ण रूप से अकर्मण्य हो जाए, यानी यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी टाइप ऑफ वर्क, इसका कहने में मेरा तात्पर्य नहीं है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, अब जाहिर सी बात है कि इन सबका जो केंद्र है वो जीवन ही है। नेक्स्ट देखिए, आई वांट नो टच विद डेथ, इसका मृत्यु से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मृत्यु से कुछ लेना, मैंने अगर आपसे कहा कि आप आत्मरक्षण करिए तो इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब कर्म करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाइए। ठीक है, If we were not so single-minded, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यदि हम जो है एक लक्ष्य नहीं चुनते हैं single-minded, ठीक है, About keeping our life moving, और अपने जीवन को हम ऐसे ही चलने देते हैं जैसे वो चल रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर हमने कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं किया, आत्मरीक्षण नहीं किया, तो क्या होगा, About keeping our life moving, और अपने जीवन को ऐसे ही जीते रहे, and for once could do nothing, ठीक है, और एक बार के लिए हम कुछ भी ना करें, एक बार के लिए हम कुछ भी ना करें, तो इसमें देखिए क्या लिखा, कंफ्यूज का मतलब होता है मिसअंडरस्टूड, गलत समझना, इनएक्टिविटी का मतलब होता है लिथार्जी, इसका मतलब तो निष्क्रियता, नो टक विद, नो डीलिंग विद, इसका होता व्यवहार न होना, यह संबंध न होगा, और यूज का मतलब होता है बिग, बड़ा, यूज का मतलब, आप देखिए इसमें लास्ट पैराग्राफ, परहैप्स यूज साले, शायद एक विशाल चुप्पी, ठीक है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, कभी स्वयं को ना समझ सकने वाली सुदासी को तोड़ सके, जो हम कभी समझे नहीं अपने बारे में, उसी को कहते हैं इंटरप्ट दिस सैडनेस, Of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death, और स्वयं को हमेशा मृत्यु से धमकाते रहने की जो आदत से हम आजाद हो सके, Perhaps the earth can teach us, शायद ये जो धरती है वो हमें सिखा सके, क्या सिखाती है, As when everything seemed dead, जैसे हर व्यक्ति आपको, जैसे वहां ठंडा क्षेत्र है वो, तो ठंडा क्षेत्र में वहां पे कोई घास का तिनका नहीं उगता है, खूब बर्फ पड़ती है, तो क्या होती है, धरती लगती है जैसे बंजर हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, लेकिन थोड़ी दिन के बाद जब मानसून आता है तो वही धरती क्या हो जाती है, हरी भरी हो जाती है। तो कहता है कभी कि व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सभी चीज आपको मृत्यु जैसी लगने लगे, ठीक है, आई लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, लेकिन बाद में पृथ्वी अपने आप को जीवित सिद्ध कर देती है, जब कुछ नहीं उगता तो लोग कहते हैं इसमें कुछ नहीं होता है, बाद में क्या आता है, जब उसमें से हरियाली उत्पन्न होती है तो कहते हैं ये तो जीवित है, समझ में आ रहा है। देखिए, नाउ आई विल काउंट अप टू 12, और अब मैं 12 तक गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और तुम चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। आप देखिए इसमें डिफरेंट मीनिंग में कौन कौन से, परहैप्स का मतलब होता है प्रोबेबली, संभवता, सेकेंड है इंटरप्ट, इंटरफियर या दखल देना, और क्वाइट का मतलब होता है साइलेंट, खामोश, है ना, सत्रों सेना कैसा नहीं खामोश, तो खामोश,
Thank you.